ब्रेक फेल रोडवेज बस 400 मीटर दौड़ी, दो टेम्पो एक स्कूटी को रौंदा, 5 घायल, दीवार से टकरा कर रोका। सवारियों से भरी रोडवेज बस के ब्रेक फेल हो गए। भरे बाजार बस वाहनों को रौंदती हुई निकली। इस दौरान चीख पुकार मच गई। 400 मीटर ब्रेक फेल बस दौड़ती रही, ड्राइवर ने इसे दीवार में ठोक कर रोका। घटना रविवार दोपहर 1 बजे झुंझुनू में हुई। झुंझुनू डिपो के मुख्य प्रबंधन राकेश गढ़वाल ने बताया कि चलती रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया था। बस चुरू जिले के राजगढ़ डिपो से झुंझुनू आई थी। झुंझुनू में मंडावा मोड़ पर कुछ यात्रियों को उतारने के बाद जैसे ही ड्राइवर ने कार बढ़ाई तो ब्रेक का पाइप फट गया। इसके बाद बस बेकाबू हो गई। मंडावा सर्किल से जिला परिषद के बीच 400 मीटर तक बस बिना ब्रेक दौड़ी। इस दौरान सड़क पर खड़े दो टेम्पो और एक स्कूटी चपेट में आ गए। हादसे में जनहानि नहीं हुई, ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, इससे बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने बस को कलेक्ट्रेट सर्किल के पास जिला परिषद की दीवार से टकरा कर रोका। इसके बाद बस में बची सवारियों को वहीं उतार दिया और डिपो प्रबंधन को घटना की जानकारी दी। हादसे की चपेट में आए टेम्पो ड्राइवर राकेश सैनी ने बताया कि मेरी टेम्पो लाइन में सड़क के किनारे खड़ा था, पीछे से आकर रोडवेज ने टक्कर मार दी। पहले से ही उसने एक टेम्पो और स्कूटी को चपेट में लिया था। मुझे पता नहीं था कि बस का ब्रेक फेल है। बस रुकी ही नहीं, मेरे टेम्पो में 2 सवारियां थी। इधर बस के ब्रेक फेल होने की बात सुनकर यात्रियों में भी चीख पुकार मच गई। परिचालक ने उन्हें शांत रहने और सुरक्षित ढंग से बैठने को कहा। सड़क पर हुए इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें रोडवेज बस रास्ते में खड़े टेम्पो को टक्कर मारते हुए आगे निकलती नजर आ रही है। हादसे में घायल हुए टेम्पो ड्राइवर राकेश सैनी, टेम्पो में सवार सरोज देवी व दूसरी टेम्पो का ड्राइवर नरेश समेत 3 अन्य घायल हो गए। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें एक स्कूटी पर सवार महिला भी घायल हुई। एक की हालत गंभीर होने पर उसे झुंझुनू से हायर सेंटर रेफर किया गया है।